एक फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ A25 माइनस A50 फॉर द AP 6, 9, 12, 15 एंड सो ऑन। फिर इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें वैल्यू फाइंड करनी है A25 माइनस A15 की, और हमें AP ये गिवन है। AP मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब देखो बेटा, इसमें ए क्या होगा, फर्स्ट टर्म ऑफ ए पी क्या है हमारी, इट इज 6, ए इज 6, और डी क्या रहेगा, डी होता है बेटा किसी भी दो कॉन्जेकेटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस। जैसे 12 माइनस 9 कर लो, या 9 माइनस 6 कर लो, या 15 माइनस 12 कर लो। ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो डिफरेंस होता है ना कॉन्जेकेटिव टर्म का, वो सेम रहता है, इसलिए हम इसको कॉमन डिफरेंस भी कहते हैं। अब मैं अगर 9 माइनस 6 करता हूँ तो d कितना आता है, 9 माइनस 6 इज इक्वल टू 3। आप 12 माइनस 9 करके देखोगे तो भी 3 आएगा, 15 माइनस 12 करोगे तो भी 3 आएगा। अब हमने वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, A25 माइनस A15। वी विल यूज़ द फॉर्मूला ऑफ nth टर्म। अब nth टर्म का फॉर्मूला अप्लाई करें तो सबसे पहले a है, a हमारा कितना है, 6 है। अब 25 एन कितना है, ए एन से इसे कंपेयर करें तो एन 25 है, माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज, और डी कितना है, कॉमन डिफरेंस 3 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस। अब ए 15 भी करना है हमें, तो अगेन ए 15 में भी हम फॉर्मूला तो यही लगेगा ना बेटा, यस सर। तो 6 प्लस एन, एन कितना है इधर, 15 माइनस 1 और डी इज 3 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू। अब क्या होगा देखो बेटा, अब इसको सॉल्व करते हैं। ऑन सॉल्विंग देखो बेटा, 6 प्लस अब 25 माइनस 1 24 होता है, मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 6 प्लस 14 माइनस 15 माइनस 1 14 होगा, 15 माइनस 1 14 14 मल्टीप्लाई बाई 3 इधर आ जाएगा हमारे पास। ओके, अब बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग बेटा पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करने से पहले। कभी भी बेटा, कई बार बच्चे क्या करते हैं कि वो इन दोनों 6 और 24 को ऐड कर देते हैं, वो मल्टीप्लाई का साइन ही देखते। तो पहले हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 24 मल्टीप्लाई बाई 3। तो 6 प्लस 24 3 का होता है 72। अब माइनस इधर भी 6 तो ऐसे ही रहेगा, तो पहले हम 14 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो प्लस 42। ओके, नाउ 6 प्लस 72 इज 78 और 6 प्लस 42 48। अब 78 माइनस 48 कितना होता है, 30। सो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर 30 आ गया, फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट। अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। दोनों पार्ट्स में हमें चॉइसेस है, एग्जाम में अगर चॉइस आती है तो आपको एक अटेम्प्ट करना। अब सेकंड पार्ट क्या है बेटा इसका, इफ द सेवेंथ टाइम्स द सेवन टर्म ऑफ AP, हमें कहा गया है सेवन टाइम्स द सेवन टर्म ऑफ AP, अगेन AP की बात हो रही है, इज इक्वल टू फाइव टाइम्स द फिफ्थ टर्म देन द वैल्यू ऑफ 12th टर्म इज। तो इसमें बेटा हमें AP नहीं गिवन, हमें ये कहा कि सेवन टाइम्स द सेवन टर्म ऑफ AP इक्वल टू कितना है, फाइव टाइम्स द फिफ्थ टर्म, और हमें 12th टर्म की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो हम इसमें ऐसे स्टार्ट करेंगे, लेट फर्स्ट टर्म ऑफ AP बी ए। बेटा ध्यान रखना, इस बार आपका जो क्वेश्चन है ना, पेपर है, सब्जेक्टिव आएगा, तो उसमें स्टेटमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके मार्क्स भी होंगे। लेट फर्स्ट टर्म बी ए एंड कॉमन डिफरेंस, जिसे हम डी से डोनेट करते हैं, डी इज इक्वल टू क्या होगा, कॉमन डिफरेंस। ओके, डी इज इक्वल टू एंड डी इज द कॉमन डिफरेंस, ये हमने एज्यूम कर लिया। नाउ अब वो कह रहा है सेवन टाइम्स द सेवन टर्म ऑफ AP इज फाइव टाइम्स द फिफ्थ टर्म एंड फाइंड द 12th टर्म। हमें 12th टर्म फाइंड करनी है, तो व्हाट इज A12 अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ एन एटम। ए एन का फॉर्मूला क्या है, अभी हमने इधर करा था फॉर्मूला, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस
एन माइनस वन डी। अब इधर ए तो ए ही रहेगा क्योंकि ए की वैल्यू हमारे पास नहीं है, लेकिन एन कितना है, 12 है इसमें, 12 माइनस वन डी, और डी को डी रहने देंगे। सो ए 12 हो जाएगा ए प्लस 11 डी। इसको बेटा भी हम यहाँ छोड़ रहे हैं। अब हमें जो कंडीशन दी है उस पे आते हैं। सेवन टाइम्स द सेवन टर्म, सेवन टाइम्स का मतलब सेवन मल्टीप्लाई। जब भी टाइम्स लिखा हो ना बेटा, सेवन टाइम्स एट टाइम तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो सेवन टाइम लिखा तो सेवन मल्टीप्लाई ए सेवन होगा। ऑफ द ए पी इज इक्वल टू का साइन, फाइव टाइम्स द फिफ्थ टर्म, फाइव टाइम मीन्स फाइव मल्टीप्लाई ए फाइव। अब सेम फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे एन एट टर्म का, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। तो पहले ए सेवन के लिए करेंगे यूज, सेवन मल्टीप्लाई ए प्लस सेवन माइनस वन डी इज इक्वल टू फाइव मल्टीप्लाई ए प्लस फाइव माइनस वन डी। ओके नाउ अब सेवन मल्टीप्लाई ए प्लस सिक्स डी हो गया इधर हमारे पास, और इधर हमारे पास आ जाएगा फाइव मल्टीप्लाई इन ब्रैकेट ए प्लस फोर डी। अब बेटा क्या करना है, ध्यान से समझना। अब सेवन मल्टीप्लाई ए प्लस सिक्स डी इन ब्रैकेट है ना, ए प्लस सिक्स डी, तो जब हम सेवन को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर जो दोनों टर्म है सेवन, उन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। डैट मीन पहले हम सेवन को ए से मल्टीप्लाई कराएंगे, सेवन ए हो गया, और सेवन मल्टीप्लाई बाय सिक्स डी, 42 डी हो जाएगा। ओके सिमिलरली फाइव इंटू ए फाइव ए, और प्लस फाइव इंटू फोर 20 डी। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप होगा, जितनी भी टर्म्स हमारी आरएचएस में है उनको हम एलएचएस में शिफ्ट करेंगे। देखो सबसे पहले लिखेंगे सेवन ए, सेवन ए के साथ जो आरएचएस में फाइव ए था वो एलएचएस में आ जाएगा और माइनस हो जाएगा। तो सेवन ए और फाइव ए हमने कलेक्ट कर लिए। अब नेक्स्ट 42 डी है हमारे पास एलएचएस में, और आरएचएस में हमारे पास क्या था, 20 डी। अब जो आरएचएस में 20 डी था उसको भी हम एलएचएस में ले आएंगे, तो ये इस तरह से आ जाएगा। और अब आरएचएस की दोनों टर्म हम एलएचएस में ले आए तो आरएचएस में ज़ीरो बचेगा राइट हैंड साइड में। अब देखो बेटा सेवन ए माइनस फाइव ए इज टू ए, और 42 माइनस 20 22 डी इज इक्वल टू ज़ीरो। अब देखो बच्चे इसमें और इसमें क्या कॉमन दिख रहा है तुम्हें, 2a और 22 में 2 है ना, 2 कॉमन है, तो हम क्या करेंगे ईच टर्म को 2 से डिवाइड करेंगे। जब हम 2a को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है a, और 22d को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 11d आता है, और 0 डिवाइडेड बाई 2 ज़ीरो ही होगा। देखो एक बार करके दिखाई देते बेटे, तो सब कुछ नीचे हमने टू से ईच टर्म को डिवाइड कर दिया तो हमारे पास आ जाएगा ए प्लस 11 डी इज इक्वल टू ज़ीरो। और बेटा इधर इक्वेशन वन इसको हम मान लें, तो इक्वेशन वन से हम क्या कह सकते हैं कि ए प्लस 11 डी किसके इक्वल है, ए 12 के। तो मैं ए प्लस 11 डी की जगह ए 12 लिख सकता हूँ, यस सर वी कैन राइट। तो ए प्लस डी 12, ए 12 कितना हो गया, ज़ीरो हो गया, और हमें 12 टर्म ही निकालनी थी ना, यानी कि ए 12 निकालना था, तो ए 12 ज़ीरो हो गया।